महानगर में संचारी रोग व डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए नगर निगम के नवीन भवन में महापौर सीताराम जायसवाल ने फॉगिंग मशीन, हैंड फॉगिंग की मशीन तथा एंटी लार्वा का छिड़काव करने वाले वाहनों का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगर निगम ने फॉगिंग और छिड़काव करने वाली 16 गाड़ियां निकाली गई हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर छिड़काव करके डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जोन में एक एक वाहन देने के अतिरिक्त 6 वाहन और अतिरिक्त लगाए गए हैं। इन 6 वाहनों में 2 टाटा मैजिक, 2 ट्रैक्टर व 2 जलकल के ट्रक शामिल हैं। संचारी रोग व डेंगू के प्रभाव को कम करने हेतु 10 जोन में फॉगिंग कराए जा रहे हैं। फॉगिंग एवं छिड़काव कार्य में निगम द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है। संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए कई बैठकों में कई बार जोनल अधिकारियों एवं सफाई निरीक्षकों को हमेशा से ही निर्देशित किया जाता रहा है कि अपने अपने जोन में साफ सफाई, छिड़काव, फॉगिंग एवं डस्टिंग आदि कार्यों का प्रतिदिन पर्यवेक्षण करते रहें। इस अवसर पर पार्षद संजय श्रीवास्तव, आलोक विशेन, सहायक अभियंता अखिलेश श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त एवं समस्त जोनल अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, नगर निगम के अंदर स्वास्थ्य विभाग से पता चला है कि कुछ इलाकों में डेंगू का प्रकोप है, चिकनगुनिया का प्रकोप है। नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 गाड़ियां आज निकाली है, जो विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के जहां पर डेंगू की आशंका है या जहां डेंगू को लोगों को हुआ है वहां पर छिड़काव करके डेंगू के लावा को नष्ट करने का काम करेगी। और ये तत्परता के साथ हम लोग सोडियम क्लोराइड भी छिड़कवा रहे हैं, जो कोरोना काल में हम लोगों ने छींटा था सड़कों पर, उससे हमारे सभी मच्छर जो भी वातावरण में फैले होंगे मर जाएंगे, उसमें डेंगू के मच्छर भी मर जाएंगे। और इस खतरे से शहर को बचाने में नगर निगम बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए किया है। 16 गाड़ियां आज गई हैं और भी गाड़ियां हम लोग कल से इसकी संख्या बढ़ाएंगे। इस काम के लिए हमारे नगर निगम के सभी अधिकारी, हमारे पार्षद, सभी लोग सक्रिय भूमिका उभार रहे हैं। पार्षदों से अनुरोध है कि जहाँ जहाँ डेंगू फैला है उसकी सूचना नगर निगम को दे और उस पर नगर निगम त्वरित कार्रवाई करेगा, जैसे आज से शुरुआत कर दी गई।